जिस घड़ी का था आप सभी को बेसब्री से इंतजार वो घड़ी अब आ चुकी है हमारे दरवाजे पर इट्स टाइम फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द बिग गेम इज योर कौन सा है वो इंडियन प्लेयर जो दो बार रन और तीन विकेट इन टू मैचेस वर्सेज पाकिस्तान सिर्फ एक ही ऐसा इंडियन प्लेयर है कौन है वो पाकिस्तानी बोलर जो रोहित एंड विराट को परेशान करता है एंड क्या होगा न्यूयॉर्क के इस पिच में अलग ये सब हम डिस्कस करेंगे ओवर द नेक्स्ट ट्वेंटी मिनट तो इंश्योर आप प्रिव्यू एंड तक देखिए एंड कॉमेंट्स में अपना सपोर्ट इंडिया को जरूर दीजिए सो लेट्स गेट स्ट्रेट द इंडव्यू फॉर दिस तो गेम खेला जाएगा द नसाउ स्टेडियम में न्यूयॉर्क एंड बहुत सारे डिस्कशन हुए कि कैसी है ये पिच क्या हो सकता है अलग नहीं हो सकता है पिच रिपोर्ट पर तब हम डिस्कस करेंगे ये वाली बात बट अभी के लिए हमारी विन प्रशन आई थिंक इंडिया विल बी द फेवरेट टू विन दिस वन बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आउट एंड आउट फेवरेट मैं कहूंगा कि एक काफी एक टफ बैटल यहाँ पे हो सकती है सेवेंटी फाइव परसेंट टाइम्स इंडिया हैज वन गेम्स वर्सेज पाकिस्तान एक बार टाई भी हुआ है यहाँ पे बट वाइल इंडिया मुझे लगता है कि जिस तरीके की हैं यहाँ पे बी इन द गेम क्योंकि इनके पास भी काफी अच्छे बॉलर हैं यहाँ पे एंड अगर आपको नहीं पता कि अपने विन प्रिडिक्शन आप पे यूज कर सकते हो तो आप रियल इलेवन ऐप पे जाके अपने विन प्रिडिक्शन शेयर कर सकते हो येस yes या नो no में जवाब दीजिए एंड आप जीत सकते हो बड़े बड़े प्राइजेस ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मिनी जेल्स एंड स्मॉल लीग्स हम खेलेंगे इस गेम में आई थिंक कुछ बड़े प्लेयर्स में भी ड्रॉप करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको कैसे एंड कौन से होंगे वो प्लेयर्स वो जब आप मैचअप सेक्शन देखोगे थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको स्मॉल लीग्स ऑन माई मार्च इलेवन क्योंकि वहां पे कमीशन कम है एंड एक बहुत बड़ा एक लाख का गेव अवे भी है कैसे ज्वाइन कर सकते हो गिव अवे ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे पहले पहले आपको गेव अवे दिख जाएगा ऑन डाउनलोडिंग दी एप मी जियस ऑन ड्रीम इलेवन माई फैब इलेवन पे भी मिनी जियल्स काफी अच्छी है एंड एक्सचेंज फ्रेंटू पे एक नो लॉस

माई मास इलेवन एक्सचेंज टू पे जैसे मैंने कहा एक नो लॉस लीग चल रही है यहाँ पे क्या होता है कि दिया मिनिमम से अगर अप टू यहां देख सकते हैं सिंपली जाके प्लेयर्स को बाय या सेल करना अगर आपको लगता है प्लेयर अच्छा करेगा समझो आपको लग रहा है मार्किस्ट माइनस फोर्टी टू या ज्यादा पॉइंट देगा इन द गेम सो यू बाय हिम सेल कर लेना अगर आपको लग रहा है कि थर्टी एट या उससे कम पॉइंट देगा एंड प्लस आपको रुपीज रियल कैश मिलेगा ऑन साइनअप ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो जल्दी से जाके साइन अप कर लीजिएगा अब चलते हैं टूवर्ड्स योर फेवरेट सेक्शन द टैक्टिकल कॉर्नर फॉर दिस गेम एंड मेरे हिसाब से इंडिया के फर्स्ट फाइव ओवर्स ऑफ बैटिंग फर्स्ट फाइव ओवरिंग होंगे शहीन एंड आमिर जाने जाते हैं अप्रंट कुछ लेटरल मूवमेंट पाने के लिए बट रोहित एंड विराट भी बहुत ही अच्छे बैटर्स है तो मुझे लग रहा है अगर वो पहले पांच ओवर संभाल के इन्होंने निकाल लिए तो उनके आगे की जो बोलेंगे थोड़ी और वीक होती जाती है वहां पे इंडिया विल डेफिनेटली बी एबल टू कैपिटलाइज so, मुझे लगता है फर्स्ट फाइव ओवर्स विल डिसाइड द गेम फॉर इंडिया एंड सेम वे अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है बाबर रिजवान जल्दी आउट हो गए तो वो भी उतने ही ट्रबल में वहां पे पड़ जाएंगे तो मेरे हिसाब से ओपनिंग बैटर्स वर्सेज ओपनिंग बोलर्स विल डिसाइड द गेम इसका ये भी मतलब है कि जब आप अपने जीएल रोटेशंस कर रहे हो आप उन्हीं प्लेयर्स पे रिस्ट ले सकते हो या तो ओपनिंग बैटर्स को ड्रॉप कर सकते हो या तो ओपनिंग बोलर्स को ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि पहले कुछ ओवर्स ये जो ओपनिंग बैटर्स है खेल के निकाल लेंगे सो दैट्स अनदर की पॉइंट फॉर यू टू वॉच आउट फॉर ज्वाइनस एट द रेट फैटेसी क्रिक ट्विटर एंड टेलीग्राम फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगी एंड लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि जो आगे की वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन आपको आते रहे एंड आप हमारा आप, आप अपना प्यार हमें देते रहे तो ये वीडियोज और लोगों तक बिल्कुल यहां पे पहुंच पाए क्लियर वेदर रिपोर्ट रिलीफ है क्योंकि एशिया कप में बहुत परेशान किया था वेदर ने इन इंडिया पाकिस्तान गेम्स पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो एक बात जिसका आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि नेदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका में जो पिच यूज होगी सेम पिच विल बी यूज्ड इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो पिच का बिहेवियर वहां पे ध्यान से देखिएगा क्योंकि वहां पे जो होगा अ वेरी हाई कि यू विल सी सिमिलर कंडीशंस इन दिस गेम बट उसके अलावा यहाँ पे हमने देखे हैं डिफिकल्ट बैटिंग कंडीशन बट अगर आप लास्ट गेम देखें कैनेडा वर्सेज आयरलैंड वाला सो बैटिंग कंडीशन गॉट स्लाइटली बेटर इवन दो स्पिन को थोड़ी सी होल्ड मिली थी इन द सेकेंड तो इन बातों का ध्यान रखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा 200 वाली पिच है ये तो बना ही नहीं अब तक इस टूर्नामेंट में बट अभी तक ऐसा लग रहा है ट्विट टू डीसेंट बैटिंग टीम्स 150 160 यहां पे बन सकता है बट नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका वाला गेम आपको बहुत सारे इंडिकेशंस दे जाएगा कि क्या आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया पाकिस्तान के प्लेइंग इलेवन की बात की जाए तो मुझे सिर्फ एक ही स्लॉट पे डाउट है वो है कुलदीप या अक्षर पे कौन खेलेगा उस स्लॉट में उसके अलावा जो पहले पहले गेम में लाइनअप उतरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे ही कुछ लाइनअप आएगी अगेन फॉर इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेम इलेवन कोई खास चेंज नहीं अनलिस एंड अंटिल ये डिसाइड कर ले आजम खान से ग्लव्स हटा के मोहम्मद रिजवान को देने के लिए क्योंकि आजम खान का फॉर्म बहुत ही खराब रहा है इनका करियर एवरेज पाकिस्तान के लिए बिलो टेन रहा है तो कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं वहां पे बट लेट्स uh, अगर वो खेलते हैं इस गेम में या नहीं तो ये हुई एक्सपेक्टेड प्लेइंग की बात नाउ लेट्स गेट टू टीम इंडिया तो टीम इंडिया की बात की जाए हमारे कैप्टन साहब आते हैं पहले रोहित शर्मा इनके लिए जो है एवरेज वर्सेस पाकिस्तान विल बी अ बिग बिग कंसर्न सिर्फ 16 का एवरेज पहला गेम इनका यहाँ पे काफी अच्छा था एट न्यूयॉर्क 52 टू रन उन्होंने मारे वर्सेस आयरलैंड बट बाउंस अच्छा खेलते हैं बाउंसर अच्छा खेलते हैं पुल शॉट अच्छा खेलते हैं बट इनके मैचअप खास नहीं है मोहम्मद आमिर ने पहले परेशान किया है शाहिन अफरीदी ने पहले परेशान किया है एंड वही एक कंसर्न पॉइंट रहेगा क्योंकि वही दोनों आएंगे सामने से सो so अभी के लिए अल से अल वेट एंड वॉच ऑन एम अगर बहुत ही अच्छी बैटिंग पिच हुई तो जाऊंगा इनके साथ एल्स प्रॉब्लम इन पर रिस्क लेना पड़ेगा इन दिस गेम एज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है एंड डेटा इनके साथ नहीं है इस मुकाबले में विराट कोहली की बहुत की, बात की जाए बहुत नहीं बात आ, बात की जाए तो पहला मैच इनके लिए कुछ खास नहीं एक मैच में एक ही रन बट वर्सेज पाकिस्तानी सेवन की एवरेज एंड फोर एटी एट रन इन टेन मैचेस तो बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर्स एंड मैचअप्स की बात की जाए तो काफी बोलर्स को इन्होंने अच्छी तरीके से संभाला है सो आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक रहेंगे इन योर टीम एंड पहले बैटिंग करते हुए थोड़ा ट्रिकी रह सकता है बट वाइल बैटिंग सेकेंड मैंने एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल कंसिडर करूंगा फिर चलते हैं ऋषभ पंत की तरफ बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं ऑफलेट बट वर्सेस पाकिस्तान टू मैचेस में सिर्फ 53 थ्री रन एट न्यूयॉर्क पहले मैच में इन्होंने 36 सिक्स रन मारे थे तो कीपिंग वैल्यू भी आपको देंगे मेरे हिसाब से पंत एंड रिजवान दोनों ही अच्छे इन दिस तो अभी के लिए बेस टीम में जगह कुमार यादव फोर मैचेस ओनली फिफ्टी सेवन रन टीम पंद्रह मुझे लग रहा है कि जब तक ये आएंगे टू बैट बैटिंग कंडीशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी तो वो एक वहां पे एडवांटेज इन्हें मिल जाएगा एंड एक और बात का ध्यान रखिए कि सामने कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर भी नहीं है सो दैट विल वर्क अगेंस्ट दम सो इस बात का ध्यान रखिए सूर्य कुमार यादव आई थिंक डेफिनेटली अ गुड प्लेयर एंड वन टू वॉच आउट फॉर शिवम दुबे पहले नहीं खेले वर्सेस पाकिस्तान लास्ट गेम इन्होंने खेला था बैटिंग करने आए थे दो बॉल ही खेले कोई रन नहीं मारे वहां पे सो so, इनका सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट कुछ खास नहीं रहा था ऑफ द आईपीएल हेंस अभी के लिए तो मैंने बैक नहीं कर रहा बट अगर हमें लग रहा है बहुत अच्छी बैटिंग पिच है तो डेफिनेटली आप इन्हें कुछ टीम्स में वहां कंसिडर कर सकते हो हार्दिक पांड्या बहुत ही अच्छा रहा है इनका पहला गेम तीन विकेट लेकर आए ये एंड यही थे वो प्लेयर जिनकी मैं इंट्रो में बात कर रहा था

तो डेफिनेटली अक्षर पटेल कैन बी इन इन द गेम दैट फेज कुलदीप यादव पता नहीं अगर खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं तो मैं बेस टीम में डेफिनेटली इन्हें लूंगा मोहम्मद सिराज नॉट प्लेड इन टी ट्वेंटी अगेंस्ट पाकिस्तान बिफोर एट न्यूयॉर्क एक मैच में एक विकेट स्टार्टिंग में अगर हमें लग रहा है हेल्प होगी तो मैं लूंगा एल सिने में अवॉइड करूंगा स्पेशली सेकंड फर्स्ट में थोड़ा सेफर बन जाते हैं अरदीप सिंह तीन मैच में छह विकेट हु कैन फॉरगेट लास्ट टाइम क्या बोलिंग की थी इन्होंने वर्सेस पाकिस्तान इन द टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप एंड आशा यही होगी कि फिर से फिर से ऐसी एक अच्छी परफॉर्मेंस इनसे आए न्यूयॉर्क में भी पहला मैच इनका काफी अच्छा गया जसप्रीत बुमराह तीन मैच में सिर्फ दो विकेट लिए वर्सेस पाकिस्तान तो पाकिस्तान मैंने देखा है कि हर बार जब जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के सामने आते हैं उनकी स्ट्रैटेजी काफी क्लियर होती है इन्हें खेल के निकालते हैं कोशिश करते हैं विकेट ना दे एंड फिर विकेट दूसरे एंड से गिर जाते हैं तो इसमें आपके लिए क्लू क्या है क्लू ये कि ग्रैंड लीग में आप इनपे चांस ले सकते हो क्योंकि आपको पता है कि स्पेशली अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगी उनपे कोई प्रेशर नहीं रहेगा टू अटैक हिम ये सोचेंगे कि बेस्ट बेस्ट यही इन्हें खेल के निकाले एंड फिर अपॉर्चुनिटी दूसरे एंड पे आ सकती है तो ये बात का ध्यान रखिए विद जसप्रीत एंड आप चलते हैं टूवर्ड्स टीम पाकिस्तान तो यहाँ पे एट द टॉप बाबर आजम काफी आराम से खेलते हैं जो हमारे लिए फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से एक अच्छी चीज बन जाती है इंडिया है इंडियन है तो वो हिसाब से भी बहुत अच्छी चीज बन जाती है फोर मैच में सिर्फ 92 रंस हैं इनके सो नॉट ग्रेट नंबर्स आई थिंक पहले बैटिंग करते हैं तो मैं डेफिनेटली लूंगा सेकंड बैटिंग बेस्ड अगर मुझे लग रहा है कि स्कोर ठीक-ठाक बन जाएगा ऑन अ फ्लैट पिच तो उस सिनेरियो में डेफिनेटली इनमें वहां ड्रॉप कर लूंगा फिर चलते हैं मोहम्मद रिजवान की तरफ बहुत अच्छे नंबर इनके फोर मैचेस में 197 नाइन सेवन रन वर्सेज इंडिया एक जो प्रॉब्लम होगी अब ये कीपिंग वैल्यू आपको नहीं देंगे अनलिस आजम खान को ये ड्रॉप कर दें बट आई थिंक जिस तरीके की क्रिकेट ये भी खेलते हैं जस्ट लाइक बाबर थोड़ा आराम से स्टार्ट करते हैं तो वो हिसाब से आपकी फैंटेसी वैल्यू इनसे भी अच्छी हो जाती है तो ये मेरे बेस्ट टीम में डेफिनेटली रहेंगे उस्मान खान बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है बिग हिटिंग के लिए जाने जाते हैं अगर फ्लैट पिच है तो मैं ट्राई करूंगा इन सम टीम्स एल्स आई थिंक काफी हाई प्रेशर टीम एंड इंडिया की बोलिंग क्वालिटी बहुत ही ज्यादा है सो so, इतना तो आसान नहीं होगा इनके लिए फकर जमान इनका रिसेंट फॉर्म काफी ठीक रहा है एंड इंडिया दो मैच में सिर्फ पच्चीस रन बट हमें वो चैंपियंस ट्रॉफी के जो घाव है अब तक काफी मेरे लिए तो काफी फ्रेश है सो so, ये डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग इन सम टीम्स क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका काफी ठीक ठाक रहा है वर्सेज इंग्लैंड भी कुछ कैमियोज उन्होंने खेल के दिखाई थी तो अगर आप चांस ले रहे हो रिजवान को छोड़ने का तो इन्हें कुछ टीम्स में उससे आने में ट्राई कर सकते हैं कोई तो कुछ तो रन तो मारेंगे ना ये लोग ऐसे दस रन पे तो नहीं आउट हो, हो जाएंगे least, लग बाउंड्री तो है। है। बोनस भी दे हैं आपको पहले बैटिंग करेंगे तो डेफिनेटली कुछ टीम्स में इन्हें भी कंसिडर करूंगा एंड ग्रैंड लीग बेस्ट टीम में लेना मुश्किल होगा ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वालिटी बोलिंग ऑप्शन है शराब खान ठीक ठाक चल रहे हैं फोर मैचेस में तीन विकेट्स पहले बोलिंग करते हुए चांस ले सकते हो ड्रॉप करने का सेकंड इनिंग्स में बेस टीम में रख लेना एंड अगर लग रहा है कि स्पिन है पिच में तो फिर कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस उस सिनेरियो में बन जाएंगे आजम खान बहुत ही खराब फॉर्म से चल रहे हैं इनफैक्ट कभी इनका फॉर्म आया नहीं था जब भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला आई थिंक कभी 30 रन भी नहीं क्रॉस हुए इनके अब तक सो so... नहीं लेना बिल्कुल और क्या ही कह सकते हैं फिर है शाइन अफरीदी दो मैच में तीन विकेट इन्होंने अच्छा खासा परेशान किया इंडिया को वापस वो दुबई वाली स्पेल नहीं भूल सकते भाई बट अच्छे बॉलर है एंड ये कंडीशन इन्हें बिल्कुल सूट करेंगे स्पेशली इफ ही बोल्स फर्स्ट तो अगर ये पहले बोलिंग करते हैं मेरे हिसाब से गुड वाइस कैप्टनसी चॉइस इन दिस गेम मोहम्मद आमिर इन्होंने भी दो मैच में चार विकेट लिए वर्सेस इंडिया अगर आपको याद है काफी अर्से पहले एशिया कप में इन्होंने आके भी परेशान किया था काफी स्विंग किया था बॉल को तीन विकेट्स लिए थे वर्सेस इंडिया फिर युवराज ने आके थोड़ी पारी संभाली थी तो ये भी अच्छे बॉलर हैं हैं मैचअप्स भी भी इनके भी अच्छे वर्सेस इंडिया सो तो आई थिंक कि अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करती है तो इन्हें साइड में ट्राई करना बिल्कुल लायक बनता है उस सिनारियो में हैरिस रॉफ चार विक, चार मैच में चार विकेट्स वर्सेस इंडिया ये आएंगे विराट कोहली के सामने इस गेम में एंड हम ऑफकोर्स आपको तो पता ही हम किस तरफ फेवर uh, में है एक जो प्रॉब्लम है हैरिस रॉफ कि जब ये पहले बॉलिंग करते हैं तो ये पचास रन भी देके तीन तीन विकेट ले लेते हैं कभी कभी तो पहले बॉलिंग में थोड़े से डेंजरस बन जाते हैं सेकेंड बॉलिंग में आप इन्हें अवॉइड कर सकते हो नसीम शाह इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा अब तक फॉर पाकिस्तान एज अ होल बट इंडिया जब भी आए काफी अच्छा किया उन्होंने तीन मैचेस में चार विकेट्स एंड पिच इन्हें भी प्रॉब्लम सूट कर सकती है तो बहुत सारे ऐसे बोलर्स जिनको ये कंडीशन यहाँ पे सूट करेंगे आपको एक कॉल लेना पड़ेगा कि किसको आपको यहाँ पे ड्रॉप करना है तो ऑल इन ऑल ज्यादातर हमें ट्वेंटी टू प्लेयर्स में क्लैरिटी मिल गई है अब बनाते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम एंड फैंटेसी टीम के पहले हमारे कुछ की मैच ऑफ टू वॉच आउट फॉर गेम रोहित शर्मा वर्सिज मोहम्मद बट शद के सामने कुछ तकलीफे हुई दो बार आउट हुए रिजवान वर्सिज हार्दिक ट्वेंटी कीपिंग सेक्शन में यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम लग रहे हैं पड़ अनाते हैं हमारी टीम एंड क्लोज कर देते हैं उन प्रॉब्लम तो अब बनाते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम वी स्टार्ट विद द कीपिंग सेक्शन अभी के लिए मोहम्मद रिजवान एक स्ट्रेट फॉर्ड पिक एंड ऋषभ पंत का भी फॉर्म अच्छा चल रहा है तो टीम में रहेंगे ये भी बैटिंग सेक्शन से विराट कोहली एंड बाबर आजम होंगे स्ट्रेट फॉर्ड पिक्स एंड सूर्य कुमार यादव भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकते हैं इन इन द ऑर्डर ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या विल बी वन स्ट्रेट फॉर्ड पिक शराब खान एफी बोल सेकंड एल्स रविंद्र जडेजा एंड अक्षर पटेल बेस्ड ऑन हु हु फर्स्ट सेकंड पे एक स्लॉट खाली रह जाएगा इन द बोलिंग सेक्शन जसप्रीत शाहिन होंगे इन माय टीम फर्स्ट और बोल सेकंड आमिर ही बोल्स फर्स्ट विल बी इन माय टीम एल्स अर्शदीप सिंह विल बी इन द टीम तो यहाँ पे वापस एक स्लॉट यहां पे इंटरचेंज होगा बेस्ड ऑन द टॉस तो ये जो है प्रिटी मच लॉक स्लॉट है एक्सेप्ट फॉर अर्शदीप यहाँ पे अब आप बाकी स्लॉट्स में किसको लेंगे शराब खान इफ ही बोल सेकेंड आप टीम में लेंगे यहाँ पे एंड अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा इफ दे बोल सेकेंड रहेंगे आपके टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट दिखाया एंड रिसेंट फॉर्म दिखा है हार्दिक पांड्या यहाँ पे ठीक ठाक पिक रहेंगे तो मेरे लिए कैप्टनसी चॉइस बनेंगे स्पेशली इफ ही बोल्स फर्स्ट एंड इफ ही बोल्स फर्स्ट आई थिंक जसप्रीत बुमराह विल बी अ वेरी गुड Vice choice, while if India is chasing, पे विराट कोहली बहुत अच्छी बन जाते हैं। तो अभी के लिए pay, थोड़ा सा बोलर हमें सेफर लगते हैं तो आई एम गोइंग विद जसप्रीत बट ऑफकोर्स आप वो चेंज यहाँ पे कर सकते हो एंड डिपोजिट ऑफर भी चल रहा है ऑन माई मास्टर सो डोट मिस आउट ऑन टेकिंग पार्ट इन दैट अप टू सिक्स परसेंट रियल कैश एंड टेन रियल कैश फॉर ऑल सो गुड चांस फॉर यू एंड मिस आउट मत करिए इन द कॉमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है कितने रन मारेंगे आज विराट कोहली इन दिस गेम अब चलते हैं हमारे आज के ग्रैंड लीग पिक्स की तरफ ग्रैंड लीग पिक्स की बात की जाए तो लो सिलेक्ट डारकऑसिक फकर और इफ्तिकारेन द बैट फर्स्ट अक्षर पटेल वैन बोलिंग सेकंड एंड हाई सेलेक्ट ड्रॉपलेस बॉम्ब बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आई थिंक बाबर आजम बैटिंग फर्स्ट ग्रैंड लीग सी वीसी चॉइस की बात की जाए तो बैटिंग फर्स्ट बोलिंग सेकंड जड्डू एंड बाबर बैटिंग सेकंड बोलिंग फर्स्ट शाहीन क्योंकि डेथ में भी में भी वैल्यू देंगे एंड दोनों विराट एंड बुमरा बहुत ही ज्यादा अच्छी चॉइसेस यहाँ पे लग रहे हैं तो ये रहे हमारे आज के ग्रैंड लीग ऑप्शंस उसके अलावा आप रोटेशंस क्या कर सकते हो एंड क्या सिनेरियोज में वो भी जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे डिस्कस तो पहले तो आप कीपिंग सेक्शन की बात करें तो उस्मान खान ए फी बैट्स फर्स्ट uh, एंड अगर आपको लग रहा है एकदम फ्लैट बैटिंग ट्रैक है गुड बैटिंग ट्रैक है तो वहां पे उस्मान खान को आप बिल्कुल ट्राई करिएगा इन द बैटिंग सेक्शन अगेन इफ वी थिंक इट्स अ गुड बैटिंग ट्रैक तो मैं एक बोलर फ्रॉम पाकिस्तान को हटा के यहाँ पे जाऊंगा विद तो रोहित शर्मा फकर जमान जैसे मैंने कहा इफ इज बैटिंग फर्स्ट विल बी अ गुड चॉइस सेम फॉर इफ्तिकार अहमद इफी बैट्स फर्स्ट शिवम दुबे इफ वी फील इट्स अ फ्लैट बैटिंग ट्रैक बोलिंग सेक्शन की बात की जाए तो हैरिस रॉफेफ इज बोलिंग फर्स्ट नसी, नसीम शाह बोलिंग सेकंड, मोहम्मद सिराज इफ इज बोलिंग फर्स्ट एंड कुलदीप यादव अगर खेलते हैं तो दोनों सिनेरियोस में मेरी साइड में बिल्कुल रहेंगे तो ये रहे हमारे आज के रोटेशन एंड आई होप आप सभी को ये प्रिव्यू पसंद आया हो वंस अगेन डोंट टू इन द प्रिडिक्टॉमेंट आपको क्या लगता है कितने रन मारेंगे आज विराट कोहली एंड अस एट द फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम जो भी फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स है वो सब आपको वहीं मिल and exchange पे मिल जाएंगी एंड एक्सचेंज ट्रेन पे पर गेम अब तक लाइव नहीं है जब भी हो जाएगा तो ऑन टेलीग्राम आपके साथ वो भी शेयर कर लेंगे डू रिमेम्बर टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेक इंडिया विन दिस गेम